सारा ज्वाइन हो गई वालेकुम हैं, अच्छा उनसे तो कर लें जी, दोबारा से अस्सलाम स्क्रीन शेयर, वालेकुम, ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी, आवाज आ रही है और सारा तुम्हारे साथ था। ठीक शेयर है जी नबील भाई, हमारे बाकी सारे हैं इस ठीक है। मीटिंग में। हाँ जी बिल्कुल, अच्छा सारा और नदीम आप दोनों को होस्ट हैं, अगर इन केस किसी एक की तरफ से मसला होता है तो वो स्क्रीन शेयरिंग दूसरा कर सकता है। चलिए जी, ठीक है, अस्सलाम स्क्रीन शेयरिंग वालेकुम। कौन कर रहा है? आई एम सॉरी, स्क्रीन शेयरिंग कौन अभी कर रहा? डॉक्टर नबील या सारा? नबील भाई स्क्रीन शेयर कर रहे थोड़ा हैं गर्मी है उनका यार। आ थोड़ा गया। सा ना मुझे ना बैक मेरी बेशक सीधी, लेकिन फ्रंट थोड़ी सी ना थोड़ी सी खुली चाहिए चेस्ट भाई, थोड़ा सा उतना ना। जी सॉरी, स्क्रीन शेयरिंग हो जी जाएगी दोस्त? मैम, 1 मिनट से मैम सारा से हो गया कॉन्टेक्ट में ना, वो कह रही है मैं शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही है। ठीक है पिछले क्वेश्चन जो था प्रेजेंटेशन में मैम, वो पहले हम थोड़ा सा उसका आंसर कर लें। हजरत उमर की एकदम से जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, उसके पीछे क्या रीजंस थी? जी, मैं अभी आपको इनवाइट करती हूँ, प्रॉपर हम स्टार्ट लेते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग में पहले ही कॉन्वर्सेशन हम निकाल सर देंगे। ठीक मतलब है, ये बीच में बाकी की जो कॉन्वर्सेशन है ना, वो लोग प्लीज अपने आप को म्यूट रखें, जो कहीं पे भी किसी और से टेलर शेलर से बात कर रहे हैं, प्लीज कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, सीरा सेशन के अगली किस्त के साथ हम आपके साथ ग्रुप 12th के साथ हाजिर हैं, और आज की टीम में हमारे साथ हैं डॉक्टर नबील और मुनीब भाई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नबील वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। डॉक्टर नबील, हमने आज का सेशन शुरू करने से पहले एक सवाल का जवाब देना था, जो कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की इस्लाम कबूल करने के बाद जो तब्दीली हुई थी उसके हवाले से। जी ओवर टू यू, आप इसका जवाब देना चाहेंगे। यस मैम, वो छोटी सी 10 सेकंड्स की बात है या इससे भी कम की हो, जी कि मेरी आवाज आ रही है उनको सबको? जी जी, मुनीब भाई आपकी आ रही आवाज है। आ रही जी। है। आई एम आई सॉरी, आई विल बिगिन। नबील भाई आई एम सॉरी, वो अनम्यूट और म्यूट का पता नहीं, वो बार बार हो जा रहा था। आई एम सॉरी गाइस, आई विल बिगिन दिस बाय एड्रेसिंग मैम सादिया क्वेश्चन। तो बेसिकली जो हजरत उमर की ट्रांसफॉर्मेशन से, आई थिंक आप लोगों की लास्ट प्रेजेंटेशन खत्म हुई है, एंड माशाल्लाह आज हमारे अटेंडेंस भी कोई 18 लोग हैं, हमारे पार्टिसिपेंट जिसमें से 4 हम टीयर्स हैं। हम लोगों ने कुछ इस तरह प्लान किया हुआ कि हम सारे आप लोगों सर को आपकी भी बात ब्रेक इंगेज हो। करें। मैं कह रहा था कि हम लोगों ने आज की इस प्रेजेंटेशन को इस तरह प्लान किया हुआ कि हम अपनी सारी ऑडियंस को भी कुछ इंगेज करते रहेंगे, और थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी, इस टॉपिक के ऊपर भी डिस्कशन करते रहेंगे, ताकि सबकी ओपिनियन और सबकी इनपुट भी आती है। इसी तरह ऑब्वियसली डिस्कशन को इनकरेज किया जा सकता है। सो आई विल बिगिन बाय एड्रेसिंग मैम सादियाज क्वेश्चन। जो हजरत उमर की ट्रांसफॉर्मेशन है, आप लोगों ने यकीनन पिछले सेशन में उसको इन डिटेल, इन डेप्थ डिस्कस किया है, उसको टॉपिक को स्टडी किया है, रिसर्च यकीनन उनको जो नो प्रेजेंटर थे उन्होंने रिसर्च करके आप लोगों को प्रेजेंट किया था। अब हम उसको आगे लेके चलते हैं, और उसको सबसे पहले तो ऑब्वियसली सूरह हाका वगैरह आई एम श्योर सारा वो हो गया होगा, बट उसमें एक चीज मैं ऐड करता चलो, जो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन है और जो उनकी कन्वर्जन और या रिवर्जन टू इस्लाम कह लें, वो ऑब्वियसली एक पॉइंट तो ये है कि जो इंसान जिसके अंदर नेचर में ही अच्छाई मौजूद हो, तो उसके अंदर ही ऑब्वियसली अल्लाह भी हिदायत कहते हैं, सबसे कीमती खजाना अल्लाह के खजानों में सबसे कीमती खजाना हिदायत का है। तो हिदायत अल्लाह उसी को देता है, और हजरत उमर ऑब्वियसली मांगे गए हुए थे। हजरत उमर और हजरत अब वो दूसरे थे अबू जहल थे, उनमें से कोई एक मांगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ऑब्वियसली उनमें से जो बेहतर था वो अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया, और उनके इनेट कैरेक्टरिस्टिक और उनके इनेट पर्सनालिटी में ही अच्छाई थी, जिस वजह से अमर बिन आस का भी किस्सा था कि वो गुजर रहे थे और उन्होंने हजरत उमर ने जुल्म होते हुए देखा, अमर बिन आस को कोड़े पड़ रहे थे या कुछ इस तरह का किस्सा था, और उन्होंने फिर रोका जुल्म को, तो उन्होंने बोला कि वल्ला आप बेहतर हो, जो उन दोनों में से मांगे गए थे। तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह अब इस टॉपिक पे आप लोगों का ऑलरेडी हो गया है, तो हम इसको ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाते, बट मूविंग ऑन टुवर्ड्स द जर्नी टू ताइफ।
मैं थोड़ा सा जरा आई जस्ट ब्रीफली यू नो बिगिन बाय मैं सिर्फ शुरू शुरू का करता हूँ जर्नी, एंड देन ऑब्वियसली हमारे बाकी टीयर्स उसको आगे लेके चलेंगे। जब वो जर्नी शुरू हुई थी तो उससे पहले मक्का में आपको पता ही होगा जो सारे हमारे माशाल्लाह से कबीले थे, जो जिनमें आई थिंक एक या दो के अलावा सबको ईमान नसीब भी हो गया था बाद में, बट उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज ट्राइबल लेस, ही डिडंट हैव एनी सिटीजनशिप। उस वक्त कबायली निजाम था और ऑब्वियसली उस वक्त इस तरह बाउंड्रीज तो होती नहीं थी जिस तरह हम आज हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री हैं, जिस तरह आज हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। तो उस वक्त कबायली निजाम से अगर आप निकल जाते थे तो उसका मतलब ये था कि ऑब्वियसली यू डिड नॉट हैव एनी नेशन और एनी कंट्री टू गो बैक टू, यू डिड नॉट हैव एनी होम टू कॉल होम, बेसिकली यू डिड नॉट हैव अ हाउस टू कॉल होम। आपके पास कोई घर नहीं था डॉक्टर जिसको मुनीब, आप सॉरी ब्रदर मुनीब, थोड़ा सा ये भी बताते चले कि आखिर ट्राइबनेस हुए कैसे। थोड़ा सा ये जो पार्ट है ना, पिछले सेशन में इतना डिस्कस नहीं हुआ, तो थोड़ा सा उस बैकग्राउंड पे भी अगर आप रोशनी डालते जाए तो हमारे एटीएम्स के लिए बहुत आसानी होगी बात को समझने डिफरेंसेस डिफरेंसेस किस बात पे है? में। नहीं कि कबीले से निकाल दिए कैसे गए, ये कैसे हुआ, अभी तक तो वो उनकी बात पे कबीला था तो अब वो ट्राइबनेस कैसे हुए। नबील भाई आप उस बात पे रोशनी डालेंगे थोड़ी सी? हेलो, मैंने कहा सर क्वेश्चन रिपीट कर दी क्या? मुझे आवाज ब्रेक हो गया, सुन रही है। ओके, जैसे कि भाई ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला की सपोर्ट से महरूम हो चुके थे, तो ये क्या वाकया हुआ था, इसकी इसका बैकग्राउंड बताएंगे थोड़ा सा। जी मैं बताऊंगा इसको कि हजरत अबू तालब की जब वफात हुई है ना, तो उस कबीले का सरदार बन गया था अबू जहल, आई थिंक अबू लहब, इनके चाचा। अबू लहब, नहीं, जी अबू लहब, अबू अबू लहब, लहब अबू बन गए जहल थे का भाई। कबीला दूसरा था। अबू लहब जी इनका अबू चाचा जो लहब, था, जी बिल्कुल जी इनकी हर इस्लाम की दावत के पीछे पीछे इनको हर जगह पे इस्तहजा और इनको हर किस्म की जो तकलीफ पहुंचाने की ना वो कोशिश करते रहे, करता रहा है। तो उसके मतलब तो तबदीदा अबी लहब भी उतरी है इसके मामले। उसने क्या किया, वो कबीले का सरदार बन गया अबू तालब के वफात के बाद। तो बिल्कुल उसने सबसे पहले काम क्या इस किया, कबीले का सरदार बनते ही कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेशनैलिटी खत्म कर दी, कबीले से निकाला, नेशनैलिटी गिनेंगे ना, सिटीजनशिप को खत्म कर दिया, कि जिसकी वजह से आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफरे ताइफ की तरफ जाना पड़ा। ये सफरे ताइफ का जी वाकया ये इसी वजह से हुआ कि उनको नबील कबीले भाई, से अब निकालना इसमें था। इधर से ही हम थोड़ा सा ऑडियंस को भी एंगेज करते हैं। ऑडियंस में से अभी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स 15 हो गए हैं। आई एम गोइंग टू जस्ट पुट अ क्वेश्चन हियर। आप सारों को पता होगा कि वो जो साल था जो जिसपे उन्होंने सफरे ताइफ किया था, वो साल अगर आप लोग देखेंगे तो वो साल आप लोगों को आई एम नॉट श्योर, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे थोड़ा सा अपना ओपिनियन दें। आप लोगों को पता है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो साल कितना मुश्किल था? अगर किसी ने कोई इनपुट देना है तो वो अपना प्लीज अनम्यूट करके थोड़ा सा अपना भी ओपिनियन दे दे। वो साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कौन सा साल था और उस साल में ऐसा क्या वाकया हुआ था जो ऑब्वियसली हम सारों को पता है, हमने बचपन से इस्लामियात में पढ़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। उसमें जी ये जी है कि वालेकुम सलाम। रसूल की जौजा हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ था और ये अबू तालिब, इन दोनों का इंतकाल बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में हुआ था और ये नबी पाक बिल्कुल की बहुत भारी बिल्कुल वाकया एक्सीलेंट दोस्त, आपका नाम क्या है? थे। हनान हनान भाई एक्सीलेंट। सो दिस वाज द ईयर ऑफ सोरो बेसिकली। सो इससे पहले पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके अपने चचा की हिमायत हासिल थी, जिस वजह से वो मक्का में दावत और तबलीग का काम कर रहे थे। जैसे ही उनके चचा और उनकी जौजा पहली जो थी मदर ऑफ द नेशन हजरत खतीजा बिनते कुबरा, उनकी जैसी वफात हुई तो उनके पास, जब मैंने सिटीजनशिप की बात की कि उनकी सिटीजनशिप ले ली गई, तो वो बेसिकली हजरत खतीजा वाज अ बिग ट्रेडर ऑफ अ टाइम। वो उस वक्त की काफलों को ऑब्वियसली ओन करती थी और भेजती थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एरिया में। और हजरत अबू तालिब उनके जो चचा थे वो कबीले के सरदार थे जो हजरत अली के भी वालिद साहब थे। फिर और इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ने दुनिया में ही इस कर्ज को उतार दिया, क्योंकि हजरत अबू तालिब ने
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हजरत अली की भी परवरिश की। तो ये दिस ईयर वाज एक्चुअली द ईयर ऑफ सोरो, एंड इस ईयर उनको सिटीजनशिप लेस, पासपोर्ट लेस, नेशन लेस कर दिया था कुरैश ने, बेसिकली मक्का के कुरैश ने। तो जब उनको मक्का के कुरैश ने नेशन लेस किया, तो ही हैड टू ऑब्वियसली फाइंड रेफ्यूज समवेयर, ही हैड टू स्प्रेड द मैसेज, ही हैड टू डिलीवर अल्लाह, यू नो, वो जो हम तौहीद की बात करते हैं, तो वो उन्होंने करना था। तो देन ही बिगैन हिज जर्नी टू ताइफ। एंड नबील भाई, डू यू वांट टू कैरी ऑन फ्रॉम हियर? यस, आप नेक्स्ट सफरे ताइफ की तरफ करें स्टार्ट मुनी भाई। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो देखने वाली है कि इंसान के ऊपर जो एक इंसान है उसके ऊपर एक कफालत थी, एक हिफाजत की चादर थी, और एक बीवी जो होती है वो बहुत बड़ा सहारा होता है एक इंसान का। तो वो दोनों एकदम से अल्लाह पाक की मर्जी से उनसे उन आप से चले गए, ठीक है। तो ये एक तो बहुत ज्यादा गम का साल था और इंसान की हिम्मत टूट जाती है, लेकिन इसके बरअक्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत को और इस्लाम की जो इशाअत है उसमें कोई कमी बेशी नहीं दिखाई। और जब उनकी सिटीजनशिप चली गई तो फिर वो सफरे ताइफ की तरफ स्टार्ट हुए। अब सफरे ताइफ किन डेज में स्टार्ट हुआ असल में? उसका बिल्कुल सफर तकरीबन 160 किलोमीटर, 150 किलोमीटर 90 माइल्स, और ये उनका सख्त गर्मी में उन्होंने पैदल सफर किया कि सिर्फ इशाअत के लिए उनको साइलम मिले और वो दीन को लाए कि मिले। अगले वाले सफर को जी। तो मैम सारा, कैन यू प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड सो आई कैन गो ऑन फ्रॉम देयर। अच्छा, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर ताइफ शुरू किया तो उनके साथ सिर्फ उनके एक सहाबा थे उस वक्त। जो कहते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया, वो साया भी मौजूद नहीं था, हजरत अबू बकर। तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जैद बिन हारसा उनके साथ थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे, सिर्फ और सिर्फ उनके उस वक्त के गुलाम सहाबा, तो उनका टाइटल बाद में, क्योंकि उन्होंने उस वक्त तक वो हजरत आजाद जैद नहीं। बिन हारसा आपके पास सलाह के साथ में? जी, हजरत जैद बिन हारसा आपके साथ थे सिर्फ और सिर्फ। और उसके बाद जैद बिन हारसा के साथ वो उन्होंने वहां पे ताइफ में तीन मेजर कबीले थे, उन तीनों कबीलों के सरदारों को पैगाम भेजा, और एक सरदार ने तो बिल्कुल ही आउटराइटली अस्तगफिरुल्लाह बिल्कुल ही कहा कि नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरे ने बोला कि अगर ये तो बड़ी अजीब सी बात है, अगर मतलब सही हुई तो मतलब मैं इसका बोझ नहीं उठा सकता, और अगर गलत हुई तो मतलब फिर तो बिल्कुल ही गलत बात है, अस्तगफिरुल्लाह। तो और तीसरे ने भी बिल्कुल इसी बेसिस पे कि मतलब ये ऑब्वियसली खौफ की वजह से इन बातों को ताइफ वालों ने एडमिट नहीं किया। और फिर ऑब्वियसली उन लोगों को वो जो वहां पे जिस तरह हमारे पास, आपको मैं रिलेट करके बताता हूँ, आपने सड़कों पे गलियों में देखा होगा हर सिग्नल पे यहाँ पे मांगने वाले फिर रहे होते हैं, और ये अक्सर औकात ऐसे ही होता है कि शाम को इनको गाड़ी छोड़ने आती है और शाम को इनको गाड़ी पिक करने आती है। तो जिस तरह वो एक माफिया है, उसी तरह वहां पे उनका भी एक इस तरह का नेटवर्क था। उन्होंने कबीलों में बादशाह जब फैली तो कबीलों के आ गए इसी तरह के बेसिकली आप कह लें हुलीगन्स आ गए। अब वो आके उन्होंने पथराव शथराव शुरू किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और जैद बिन हारसा एक तरफ से खड़े हो गए। जब वो एक तरफ से बचाते थे तो दूसरी तरफ से पड़ते थे, वो दूसरी तरफ से बचाते थे तो तीसरी तरफ से पढ़ते थे, तो एंड में लहू लहू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। और मतलब ये हाल था कि वो उनके जूते, आपको पता ही होगा, हमने बचपन से एक किस्सा सुना हुआ है कि जूतों तक में खून भर गया। अब ये बेसिकली ये मैं आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस बेसिकली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम अभी अभी इसको समराइज करते हैं, और अभी इसके फिर लेसन और इसके डिटेल में हम अभी और डिस्कशन करते हैं। बट थोड़ा सा जरा ब्रीफ मैं आपको बता देता हूँ, आई एम श्योर आप सारे अवेयर हैं, आप सारे किस्से से वाकिफ भी होंगे। बट अब जब ये वाली होगी जर्नी, अब वो वहां पे पत्थर खा खा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लहू हो के जैद बिन हारसा ने उनको अपने कंधों पे सवार करके, वो मतलब ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ मतलब बीइंग अनकॉन्शियस जब वो उस हालत में थे, तो वो उनको जैद बिन हारसा ने एक बाग में थोड़ा सा दूर, एक ताइफ के मकाम के थोड़ा सा दूर
उनके जानी दुश्मन का एक बाग था, वो जानी दुश्मन के बारे में भी, बल्कि मैं भी एक आप लोगों से सवाल करना चाहूंगा, आप लोगों में से किसी को इल्म है कि वो ताइफ के जर्नी के एंड में किसके बाग में ठहरे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके ये मुझे बता सकते हैं अगर आप लोगों को इस चीज की है नॉलेज। अच्छा, तो ऑडियंस में से किसी को नहीं पता। अच्छा, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उनका मक्के का सरदार थे। खैर, जंगे बदर में उसने काफिरों का झंडा पकड़ा हुआ था, उस बंदे का नाम उतबा था। अब वो उतबा के बाग में गए। यस, यू आर करेक्ट अरूब, उतबा के बाग में गए थे। बिल्कुल, उतबा के बाग में गए। तो उतबा ने भी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखी और उनको देखा इस तरह खूनो खून लहू लहू हुए हुए थे, तो उन्होंने अपने बेसिकली गुलाम के हाथों साफ सुथरे अंगूर भिजवाए थे कि प्लीज ये रद्द ना करें। नहीं, मतलब उन्होंने ये गुलाम को कह के भेजा था कि मतलब उनको बोलेगा कि ये रद्द ना करें, ये हमारी तरफ से तोहफा है उनके लिए, वो है मतलब हदिया। तो जब उनके पास उत्बा का गुलाम पहुंचा, तो उत्बा के गुलाम ने जब वो अंगूर ऑफर किए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर पकड़ के जब बिस्मिल्लाह पढ़ा ना, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ा जब, तो उनके गुलाम ने पूछा कि यहाँ पे ये कलाम तो कोई नहीं पढ़ता, तो आपने ये कलाम कहाँ से सीखा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सवाल उस उनके गुलाम से सवाल किया कि आप किधर से आए? तो उन्होंने कहा शाम से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा, तुम मेरे भाई यूनस अलैहि सलाम के इलाके से हो? तो वो हैरान हो गए गुलाम जो थे, वो कहते हैं आप कैसे जानते हैं यूनस अलैहि सलाम? तो उन्होंने कहा वो भी अल्लाह के पैगम्बर थे, मैं भी अल्लाह का पैगम्बर हूँ। तो वहां पे वो ईमान लेके आ गए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी मतलब ऑब्वियसली वो वहां पे ताइफ किसी मकसद से ही गए हुए थे, अपना पैगाम और तबलीग और दावत की मकसद से गए हुए थे। जैसे ही वो वहां पे उन्होंने कलमा पढ़ा उनके गुलाम ने, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा हौसला और थोड़ी तसल्ली, और फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की। थोड़ा सा स्लाइड आगे करती है मैम सारा। ये तो थोड़ा सा आगे कर लें प्लीज, ये पीछे वाली, ये जो दुआ थी पीछे वाली, जी बिल्कुल, ये जो दुआ थी, ये दुआ अब ऑब्वियसली आप लोगों के सारों के सामने आ रही है ये दुआ। अब ये दुआ बेसिकली ऐसी दुआ थी कि नबी पाक, मैं इसको समराइज कर देता हूँ, ऐसी दुआ थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के आगे बेसिकली ये कहा था कि मतलब गिला भी किया बट गिला नहीं भी किया, और ये कहा कि मुझे किन के रहमो करम पे छोड़ दिया है, मतलब किस किस के रहमो करम पे छोड़ दिया अल्लाह से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। और फिर एंड मतलब इसका इख्तिताम इस दुआ का इस तरह हुआ कि अगर अल्लाह तू इस बात पे राजी है, तो मैं इस बात पे राजी हूँ कि अगर मतलब आपकी रजा अल्लाह ये है कि मतलब मुझे इस स्ट्रगल से गुजारना है, और मुझे इस जर्नी के थ्रू गुजरना ही था, और मुझे इस मुश्किल को फेस करना था, और मुझे ट्रबल फेस करनी थी, टू ऑब्वियसली स्ट्रेंथन हिज इनर सेल्फ, टू स्ट्रेंथन हिज यू नो, हर इंसान का एक वो होता है, और खास तौर पे जो पैगंबर और अंबिया हैं उनका भी यकीन हमसे एक आम आदमी से तो ज्यादा ही थ्रेशहोल्ड है, क्योंकि वो चोजन है अल्लाह की तरफ से, बट उनका भी मतलब थ्रेशोल्ड यहाँ पे अल्लाह ने टेस्ट किया, और अल्लाह ने उसको भी ऑब्वियसली एनहांस और इनकरेज, मतलब उसको बेसिकली एनहांस करके उसको अल्लाह ने और इंडियोर किया। और इन इस इससे हमें खैर ये भी एक लेसन मिलता है, जब उन्होंने दुआ की तो ऑब्वियसली हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए उसके बाद, और उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हुक्म किया कि अगर आप फरमाएंगे तो इन दोनों पहाड़ों को एक करके इन वादी से बिल्कुल इसको खत्म कर दिया जाएगा, इस बस्ती को खत्म कर दिया जाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी रहम का मुजाहरा किया, और उस वक्त भी बोला कि नहीं, इनमें से नहीं तो इनकी नस्लों में से शायद कोई ईमान ले आएगा। तो उस वक्त भी इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑब्वियसली हम कहते तो हैं रहमतुल आलमीन, बट हमें पता नहीं है कि ये कितना मुश्किल होगा। हम तो यहाँ पे अगर आज के दिन में रिलेट करें, तो आज भी हमारी शायद हो सकता है 10 दफा किसी से बहस हुई हो, हमारी हो सकता है 10 दफा किसी से किसी पॉइंट पे हमें 10 दफा किसी की बात बुरी लग गई हो, और हमने उसके लिए बुरा सोचा हो,
बट उस वक्त पत्थर खा के खूनो खून होना और फिर उसके लिए अच्छा सोचना, ये एक आम इंसान की बस की बात नहीं है। तो ऑब्वियसली ये भी उसी का एक दलील है कि अब ये पैगंबर के अखलाक हो सकते हैं और इंसान के अखलाक नहीं हो सकते। नबील भाई, डू यू वांट टू कैरी ऑन फ्रॉम हियर? यस ऑफ कोर्स जी। यहाँ पे ना हमें जो सबक क्या क्या मिलता है इस वाकया से, मैं ये क्वेश्चन एड्रेस करूंगा। सबसे पहले है कोई आंसर करने वाला ऑडियंस में? मैम अभी पिछली स्लाइड्स पे रहने दें जी। एनीवन? जिसे ना एक और चीज ये है कि सवाल था पीछे ग्रुप में भी हुआ था कि आप अल्लाह पाक ने क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मदद नहीं फरमाई, क्या उनको ऐसे ही छोड़ दिया था? इस बात में मैं ये बात कहूंगा, जब आप सरकार वापसी पर आ रहे थे और फरिश्ता पहाड़ों का हजरत जबरील अलैहिस्सलाम के साथ वहां पे नाजल हुए हैं, तो बाकी का वाक्य तो मुनीब साहब ने एलेबोरेट कर दिया है। उसके बाद आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पे हौसला हुआ और उन्होंने मक्का की तरफ पेशकदमी तेज कर दी और वापसी पे वादी नखला के पास आप सरकार ने पड़ाव किया, और वहां पे क्या हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरात कर रहे थे कुरान पाक की, और वहां पे जिन्नों की जमात जा रही थी। मुख्तलिफ रवायात में मुख्तलिफ मुख्तलिफ तादाद है, लेकिन एक इब्ने इसहाक की जो रवायत है उसके मुताबिक 7 जिन गुजर रहे थे। तो वहां पे आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मान ले, हालांकि ताइफ में कोई भी मान नहीं लाया, लेकिन अल्लाह पाक ने इतना वो सब्र और इस्तकामत के ऐसी मखलूक जो के हमारी वो पर्दा गैब में अल्लाह पाक का एक लश्कर है उसको भी मान नसीब फरमा दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, तो ये भी उनकी बिग अचीवमेंट थी। इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वाक्य से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं? एक तो पेशेंस है, मर्सी है, इसके अलावा आप लोग क्या इन चीजों से एक्सट्रैक्ट करते हैं? कैन आई गिव आंसर? जी वालेकुम अस्सलाम जी, कंटिन्यू करें जी। सरेश देखें, सबसे पहले तो लास्ट प्रेजेंटेशन जब मैंने छोड़ी, मैंने सबसे यही क्वेश्चन किया था कि वो जो 3 साल थे शेख अबी तालिब के, उसमें हमने सीखा क्या। तो यही बात जो है वो यहाँ आके होती है कि ऑलरेडी एक पूरे सिनेरियो से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजार दिया, आमुल बुजुल शुरू हो चुका है। दो बड़ी ऐसी शख्सियतें जो मेरे नबी के दिल को सुकून देती थी, वो अल्लाह की रहमत में, रहमत जवाद में शामिल हो गई। अब टाइट पर सफर और ये सब कुछ, पेशेंस, अल्लाह पर तवक्कुल और डटे रहना, अपने ईमान पर, अपने दीन पर डटे रहना, ये जो है हमें यहाँ से सबक। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नेम है आपका? सही जी मैम सैरिश, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ये करूंगा कि ये सब्र और इस्तकामत और ये डटे रहना ये कैसे, किन स्टेप से आएगा? एक कोई इसकी साइकोलॉजी या कोई लॉजिक्स तो होंगे ना एक इंसान के ऊपर, एकदम से तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, तो क्या आप अपना थोड़ा सा इस पे ओपिनियन देंगी? सर, रिपीट करें एक बार अपना क्वेश्चन, मैं बिल्कुल आपके। की आवाज ब्रेक हो रही है, दोबारा रिपीट कीजिएगा सर अपना क्वेश्चन रिपीट करें। जी। मैंने कहा कि आपने कहा कि ये सब्र और इस्तकामत जो है इस पे डटे रहना ये चीजें हैं, लेकिन ये डटना जो है सब्र के लिए, और ये सब्र का इतना लेवल कि आपको पत्थर मारे जा रहे हैं और आप आगे से रहम की दुआएं कर रहे हैं, तो ये किस लेवल से हमें अचीव हो, हम किन चीजों को फॉलो करें, कौन से स्टेप्स होने चाहिए हमारे जेहन में जिससे दूसरों को भी गाइडेंस मिले कि हाँ भाई ये इस लेवल का सब्र हासिल करने के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर आपको कुछ फॉलो करना है तो आपने मुझे बताया कि सीरा हमारे पास एक बेहतरीन रास्ता है। अब मेरे नबी के पास ये सारी चीजें इसलिए थी, तो मेरे अल्लाह ताला ने वैसे उनसे कहा था कि उनका इखलास सबसे बेहतर है। अगर वो भी बददुआ दे देते दे और वो भी इसी तरह, हालांकि बद दे सकते, और अल्लाह ताला ने खुद उनको एक वो चांस दिया था कि वो कहते और उस बस्ती को तबाह कर दिया जाता, वो दे सकते थे। एक अल्लाह पे तवक्कुल, और एक ये चीज के हाँ आगे आने वाले वक्तों में जो मेरा एक मिशन है, मेरा एक वो आगे आने वाले वक्तों में
कामयाब होगा। तो ये चीज जो है वो आपको पेशेंस भी दिलाती है और आपको इस्तकामत पे भी कायम रखती है। तो ये इस्तकामत बड़ी जरूरी है दीन के अंदर। लोगों के अंदर सब्र होती है, इस्तकामत नहीं होती। लोगों के अंदर अमल होता है, इस्तकामत नहीं होती। इस्तकामत इज वेरी इंपॉर्टेंट आपकी हर चीज। जजाकल्लाह खैर। जी, कोई और पार्टिसिपेट करना चाह रहा है कन्वर्सेशन में? ये बिनते जफर, आपका माइक ऑन है। जी मैम, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। नेक्स्ट जी, ये चीज़ें जो सब्र अजीम इस्तकामत है, ये हमने जो चीज़ें मैंने स्लाइड्स पे भी शो करवा दी हैं कि ये चीज़ें हमने जो अचीव की हैं। मे बी इसके अलावा भी किसी के पास जेन में कोई और बात हो तो वो हमें बता सकता है। तो हमें ये सब्र अजीम हासिल करना और सब्र और इस्तकामत वाला सब्र जो है वो हमें कैसे हासिल होगा, उसके लिए मैं थोड़े से स्टेप्स जो हैं, मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र है और जो स्टडीज़ हैं और मेरे जो बुजुर्ग उस्ताद हैं उन्होंने जो सिखाया है उससे मैं आपको थोड़ी सी ना दो चार स्टेप्स यहाँ पे बताना चाहूंगा। कि वो सबसे पहली चीज जो है ये अल्लाह पर ईमान है। ये हम सभी को पता है कि हमें अल्लाह पर ईमान रखना है, कि जब हमारे सर पर मुसीबत आती है तो हमें इधर उधर डगमगाना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी नजर और अपने अल्लाह पर रखनी चाहिए। दूसरी चीज जो है कि वो उस दौर में भी और इस दौर में भी यही फॉलो होती है कि जो मुसलमानों की सब्र इस्तकामत थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस्तकामत थी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फहमो फरासत, उनकी गहरी सोच और उनकी स्ट्रेटजीज जो थी उनके हिसाब से ये इंसान को बड़े अच्छे से फील होना स्टार्ट हो जाता है कि ये किस तरह से ये सिनेरियो को देखना है। हमने एक क्यादत जो है ना हमारे ऊपर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के लिहाज से हमारे ऊपर लीडरशिप, एज अ लीडरशिप उनको लेना चाहिए। और नेक्स्ट चीज जो है वो एहसास जिम्मेदारी, थर्ड पॉइंट जो है कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है, कि हमने ये सब्र इस्तकामत किस लेवल पे किससे हमने अचीव होती है इंसान को, कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है। सहाबा के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आज अगर हम यहाँ पे सब्र से थोड़ी सी भी लग्जिश दिखा जाते हैं, जितने उनपे जुल्म और जोर हुए और जो जो उनपे कह लें कि क्यामत डाई गई है एक हिसाब से, ये जिंदा को पकड़ के जानवरों के साथ बांध के, हजरत यासर को जैसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, हजरत समिया को जैसे शहीद किया गया है, बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। तो उसके लिए हमें एहसास जिम्मेदारी ये है कि हमने आने वाली उस दौर में भी सहाबा को यह था कि आने वाली नस्लों को हमने क्या पैगाम देना है, हम आजकल क्या कर रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और हमारे वो जो एक्शंस हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ वो कंपेटिबल भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, ये भी हमारे सब्र इस्तकामत में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और चौथी चीज जो है वो आखिरत पर ईमान है। ठीक है, तो इसके मामले में तो सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 60 में अल्लाह पाक ने भी यहाँ पे वाज़े कहा है कि मोमिनों की सफात में कि जब वो कोई काम करते हैं तो उनके दिल जो है वो डरे होते हैं कि हमने एक दिन वापस भी जाना है अपने अल्लाह के पास। तो आखिरत पर ईमान जो होता है वो इंसान को सब्र और की इंतहा पे पहुंचा देता है, और हम अपने अजीम मकसद जो है, हमारी जो सेल्फ एस्टीम है उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये। नेक्स्ट चीज जो है वो ये थी कि मुसलमानों को खुशखबरी है अल्लाह पाक की तरफ से कि जब वो पूरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। दरअसल में जो स्टेप्स हैं सूरतुल असर की लास्ट फोर चीजें हैं जो ना मेन, उनको जब हम आपकी आवाज सुन गई है जी। जी नबील भाई, आवाज आपकी बिल्कुल खत्म हो गई है। हेलो आई थिंक रिकनेक्ट हो गया था, आई एम सॉरी। जी मैं बात कर रहा था कि अल्लाह पाक की तरफ से जो हमें खुशखबरियां दी गई हैं। ठीक है मैम, वो स्लाइड थोड़ी सी आया कि निकाल दीजिएगा, कि जब हम सूरत अल असर की लास्ट फोर जो मेन पिलर्स जो मैं गिनूंगा ना, कि इल्लल्लज़ीन आमनू, जो इंसान खसारे में है, सारे इंसान खसारे में सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। पहली चीज जो है वो यकीन है अल्लाह पाक पे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटजी इसको अपनाना है, वो सॉरी इल्लल्लज़ीन आमनू के यकीन अल्लाह पाक की जात पे, वैसा कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया,
और सहाबा का यकीन था जैसा, उस तरह का यकीन। फिर उसके बाद है वामिलुस सालिहात, नेक अमल। नेक अमल में हमारी इबादत और जिक्र अज़कार तो है ही है, लेकिन साथ में जो हमारी दूसरे खैर के काम है उनको, जगह हमने यकीन कर लिया अल्लाह पाक की ज़ात पे, फिर हमने वो एक्शंस दिखाने, आमिलुस सालिहात जो है वो एक्शंस हैं, एक्टिविटी है, करके दिखाना है। तो बस वो हमने कह लेंगे जो फलस्तीन का वाक्य है, इस टाइम हम पोस्टिंग पे ही हैं, तो हमने कोई एक्टिविटी नहीं दी। एक्टिविटी में हमें, मैं अपने आप को लूंगा, बाकियों का वल्ला आलम, अल्लाह पाक बेहतर जानता है किसने क्या क्या किया। लेकिन एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, ये आया कि ये वर्ड जो है ये जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि वामिल वतवासो बिल हक, कि हक की राह में खड़े होना। जब आपने एक्शंस लिए तो आप ऑटोमेटिकली ही हक की राह पे हो गए ना, आपने खैर के अमल किए, नेक अमल किए, तो आप नेक एक्शंस लिए हैं, खैर के लिए एक्शंस लिए हैं, तो आप हक की राह में खड़े हो गए हैं। और हक की राह में जब खड़े होना है तो जमीन तंग हो जाएगी, दुनिया के लोग तंग हो जाएंगे आपके ऊपर, मुसीबतों के पहाड़ टूटने शुरू हो जाएंगे। तो फिर अल्लाह पाक ने बड़ी खूबसूरती के साथ कुरान पाक ने इन चीजों को एक लाइन में ऐसे बांध के लिखा हुआ है कि वतवासो बिस सब्र, और फिर सब्र करना है। और जो सब्र की वो इंतहा है, वो स्टेप्स पीछे मैंने बता चुका हूँ, और आखिरी स्टेप था कि हमारी खुशखबरियां जो अल्लाह पाक ने दी हैं। तो इस आया में सूरह साफात में 171 177 में बड़े अच्छे तरीके से लिख दिया गया, अगर हम पहले ही अपने पैगंबर बंदों के बारे में ये बात तय कर चुके हैं कि यकीनी तौर पर उनकी मदद की जाएगी। हाँ, कि अल्लाह पाक की मदद हमेशा तैयार है, लेकिन हमने उन जो मेरिट है उस मेरिट पे तो उतरे ना, कि कल को कोई इतना बड़ा अभी इंसान के ऊपर कोई आजमाइश पड़ जाए, तो असल में तभी पता चलता है ना कि इंसान ने कितना वो शुक्रगुजार है और वो कितना डिटरमंड है। ठीक है, तो जब तक हमें वो सब्र का इंतहा हासिल नहीं होती, तब तक हमें भी वो गैबी मदद नहीं हासिल होती। तो ये मेरे स्टेप्स थे बताने के कि सब्र और इस्तकामत को किस तरीके से अचीव किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का हो तो वो प्लीज एड्रेस करें यहाँ पे। अल्लाम, मेरी आवाज आ रही? जी मैं इसमें सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि इसमें हमें ये भी पता चलता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इमोशनल इंटेलिजेंस थी उसका लेवल क्या है, मतलब किस तरह उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और उनको मैनेज किया, और कोई बदुआ भी नहीं दी और उनके लिए दुआ की जो जिन्होंने इस तरह पत्थर बरसाए थे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा वाकया है इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने के लिए। जी ऑफ कोर्स, आप इसको करें एक्सप्लेन, मजीद कर सकते हैं तो। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और मैनेज किया, और फिर बाद में इसको चैनलाइज भी किया कि जब जब जिहाद और उनको जब हजूर साहब ने जिहाद और इस तरह की जो एक्टिविटीज वॉर स्टार्ट की उसके अंदर फिर इसको चैनलाइज करके, तो वो जो जो था जो गुस्सा भी था वो हजूर साहब ने बाद में फिर इस पे इसको लेकर है चैनलाइज किया, मतलब अपने अपने इमोशंस को चैनलाइज करके लेते हैं। जी, वेरी गुड, इमोशनल इंटेलिजेंस का पॉइंट आपका बहुत अच्छा पॉइंट है ये बुरहान, माशाल्लाह जी। और कोई जी, हेलो बुरहान भाई। जी भाई, आप करें प्रेजेंट, आगे स्टार्ट करें इसमें से जो पॉइंट्स हैं, जी, जो हमारे पॉइंट्स हैं उसको एड्रेस करें यहाँ पे। अभी या हम इस स्लाइड पे हैं नबील भाई, हमने मेरे ख्याल है वो लेसन वाली क्रॉस कर ली भी है। जी सर, आप बता दें मैम को, मैम सारा दे देती हैं आपको स्लाइड। जी अच्छा, अब स्ट्रेटजीज के मुताबिक मेरा एक ऐसा सवाल भी है। खैर, मैं थोड़ा सा प्रेजेंट करता चलूं, मैं प्रेजेंट करता चलूं। अब ऑब्वियसली उस वक्त मैं थोड़ी सी इसकी भी बैकग्राउंड और थोड़ी सी हिस्ट्री करूंगा, और इसमें ये करूंगा कि जिस तरह अब ऑब्वियसली पहले सबसे पहले जब ऑब्वियसली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबुवत मतलब वो नबुवत का विसाल, मतलब उस वक्त जब हजरत जिब्रील सबसे पहले वही लेके आए, उस वक्त से लेके उनकी दावत के पहले 10 साल में सिर्फ 40 मुसलमान थे, और उससे भी पहले अगर हम 10 साल के अंदर अंदर का टाइम पीरियड देखें ना, तो उसमें अगर आप देखें तो जब सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हजरत खदीजा, फिर हजरत अली और फिर हजरत अबू बकर, 4 मुसलमान थे।
तो चार मुसलमान से शुरू होके वो सफर 10 साल स्पैन करते करते सिर्फ 40 लोगों तक स्प्रेड हुआ। उस वक्त की स्ट्रेटजी ऑब्वियसली डिफरेंट थी, उस वक्त दावत और तबलीग छुप छुपा के की जा रही थी, उस वक्त ऑब्वियसली मक्के के सरदारों को नहीं एक्सेप्टेबल था और वो नहीं एक चीज को टॉलरेट करते थे कि उनके बुतों को या उनके सो कॉल्ड मतलब सो कॉल्ड गॉड्स को आप कोई आके चैलेंज कर दे, तो वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था सोसाइटी में। वो उस वक्त का सोसाइटल नॉर्म था, जिस तरह आज टैबूज होते हैं सोसाइटी के, डिफरेंट वो होते हैं। नहीं भाई, आपकी बात बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, प्लीज। आवाज आ रही है मेरी? शुरू के 3 साल नहीं, दो से किसी ने कमेंट किया, शुरू जी के अब दस क्लियर है साल चल शुरू जी। के दस साल आप जी मैं कह रहा, शुरू के 10 साल 40 लोग थे। 30 किसी का कमेंट आया हुआ था, मैं वो अभी अभी पढ़ रहा था, एक सेकेंड, आई एम सॉरी। शुरू के 3 साल नहीं था 40 लोगों ने जो इस्लाम कबूल किया था। नहीं, 3 साल नहीं था, शुरू के आई थिंक 10 साल थे जिसमें सिर्फ 40 लोग थे। आई माइट बी रॉन्ग, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे प्लीज करेक्ट कर दें कोई, अनम्यूट कर दें। मैंने जी जी वालेकुम सलाम। भी यही पढ़ा है कि आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, एट द टाइम के शुरू के 3 साल थे जिसमें 40 से 45 लोग ईमान लाते, शुरू के 3 साल खुली दावत से पहले। बिल्कुल ठीक है, तो शुरू के 3 साल की जो दावत की स्ट्रेटजी है वो मुख्तलिफ होगी फिर। तो अब शुरू के 3 साल में, अब मुझे मेरी नॉलेज के मुताबिक ये था कि 40th जो कन्वर्ट थे, जो 40वें मुसलमान थे, जो 40वें ईमान लाने वाले थे, वो हजरत उमर थे। अब जो 40वें मुसलमान के बाद की दावत की स्ट्रेटजी थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, क्योंकि फिर जब हजरत उमर इस्लाम ले आए तो ऑब्वियसली तब फिर मुसलमानों ने उस वक्त खुला अपने हरम में और उधर मक्का में नमाज और तबलीग और दावत का काम खुलेआम शुरू कर दिया। उससे पहले दारे अरकम था, जो जैद बिन अरकम के नाम पे उनका घर था, वहां पे तबलीग का काम हो रहा था। तो उस वक्त की स्ट्रेटजीज वो थी। अब उस वक्त जिस तरह आज की हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम आज की एक पॉलिटिकल मिसाल देते हैं, जो हमें ऑब्वियसली हर बंदा ये एक दूसरे को ये कहता है कि इंडोनेशिया और मलेशिया में कौन से तलवारों से मुसलमान मतलब कौन से तलवारों से इस्लाम फैला था, वो मुसलमान के कैरेक्टर से ही इस्लाम फैला था। तो ऑब्वियसली इस्लाम में आपकी जो जिस तरह मैंने सबसे पहली बात की कि जिसके अंदर अच्छाई होती है तो नेचुरली उसी को हिदायत और ईमान अल्लाह मतलब अल्लाह उससे उसको ही नवाजता है जिसके अंदर कैरेक्टर कैरेक्टर उसके अंदर इनेट वो एबिलिटी हो और उसके इनेट कैरेक्टरिस्टिक वो हो कि वो उसके अंदर अच्छाई पाई जाए। तो मूविंग ऑन, वो दारे अरकम से स्ट्रेटजी है, वहां से शिफ्ट होके जब हम हरम पे आए तो हरम पे खुले आम हजरत उमर ने ऐलान करके नमाज पढ़ना शुरू किया, और मुसलमानों ने उस वक्त खुले आम नमाज पढ़ना शुरू किया, और दावत और तबलीग और हजरत अबू बकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इस तरह शुरू किए। इवन 10 अशरा मुबशरा देखते हैं, उनमें से आई थिंक 6 अशरा मुबशरा वो हैं जिनको हजरत उमर ने पैगाम दिया था और उनको इस्लाम कबूल करवाया था, जिनमें से अबू उबैदा बिन जरा से लेके मतलब काफी, अब सारों के एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद, बट साद बिन अबी वकास, 10ों के 10 के नाम याद है, बट वो उन 6 के याद नहीं है जिनको हजरत अबू बकर ने एग्जैक्टली करवाया। बट उसी तरह हजरत उमर का घर वाहिद खानदान है जिसमें 2 अशरा मुबशरा भी हैं, उनके बहनोई और वो सईद इब्ने जैद हैं और हजरत उमर है अशरा मुबशरा में से। तो मतलब जब स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली उस वक्त फिर जब इस्लाम ग्रो करना शुरू हुआ तो इतना इमेंसली और इतना ड्रास्टिकली ग्रो भी नहीं हुआ, और उनकी मैसेज इतना लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया वाइडली, बट उस वक्त के जिस तरह, अब अगर मैं हिस्ट्री के साथ जान जान के रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप हजरत खदीजा जब सबसे पहली वही आई थी तो हजरत खदीजा ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यहूदी रैबाई के पास लेके गए थे जो उनके चचा थे वरका बिन नौफिल, तो वो यहूदी रैबाई थे। वो इवन उस वक्त तक के जो ज्यूइश और क्रिश्चियनिटी की जो वो थी लिटरेचर्स, यानी कि उनकी जो बुक्स थी बाइबल और ये तौरा, तो उसमें भी यही था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था और उनका पैगाम था कि वो
यार मतलब मदीना में यथरब में हिजरत करेंगे, और उनका जिक्र था, उनको फोन तो उनका जिक्र था उनमें भी, तो इसीलिए उस वक्त के यहूदी और उस वक्त के जो क्रिश्चियंस थे वो माइग्रेट कर करके मदीना भी आए हुए थे, और मदीना के पास पास के इलाकों में वो सेटल भी हुए हुए थे। तो मैं इसलिए हिस्टोरिकली इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। अब बेसिकली उस वक्त बरका बिन नौफिल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ऑब्वियसली ये वही है हजरत जिब्राइल जो हमारे पैगंबर के पास भी आए थे, वो अब आपके पास आ रहे हैं। तो इसी तरह ऑब्वियसली फिर इतना ड्रास्टिकली नहीं बट ग्रेजुअली एंड स्टेडली इस्लाम स्प्रेड किया, और ऑब्वियसली इस वक्त की जो दावत थी वो बड़ी ही कन्फाइंड थी और बड़ी लिमिटेड थी, क्योंकि बड़ी सख्त अपोजिशन और बड़ी सख्त उसका वो था, सामना था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो मैं बट मूविंग फॉरवर्ड मैं इसमें से एक सबके लिए सवाल छोड़ना चाहता हूँ कि उस वक्त अब देखें, अब वो ये स्ट्रेटजी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस वक्त हमने जो ताइफ की सारी प्रेजेंटेशन से एक लेसन लर्न किया था कि वो उन्होंने बड़े सब्र और तहमुल का मुजाहरा किया, उन्होंने रहमत का भी मुजाहरा किया, उन्होंने रहम भी किया, उन्होंने फॉरगिव भी किया, उन्होंने मतलब पेशेंस भी दिखाया, सब कुछ किया। बट अब अगर ये देखें कि इस वक्त ताइफ के वक्त ये स्ट्रेटेजी थी दावत और तबलीग की, तो ऑब्वियसली हमने जंगे बदर भी देखी जब सिर्फ 313 मुसलमान थे, और हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैशी काफले को रोका था। तो आप सारों के लिए बस ये सवाल मैं एक रखना चाहता हूँ, फिर प्लीज जिस जिसके पास ओपिनियन है वो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताए कि 313 और इस 40 लोगों के दरमियान ऐसी स्ट्रेटेजी, आप अपना अपना ओपिनियन देगा जरा प्लीज, आपके ख्याल से क्या ऐसा चेंज हुआ होगा कि उस वक्त 313 को भी मतलब ये स्टेप लेना पड़ गया जो 40 होते वक्त ऑब्वियसली नहीं लेने पड़ नहीं ले सके थे, और उस वक्त स्ट्रेटजी में इतना इतना रेडिकल शिफ्ट क्यों आया? प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताएगा आप लोगों का क्या ओपिनियन है। मुनीप, आप अपना सवाल रिपीट कर सकते हैं? आप कहना चाह रहे हैं कि जो पहले 3 साल में 40 लोग ईमान लाए थे, उनकी स्ट्रेटेजी में क्या फर्क था जी जी मैं उस कहना चाह रहा हूँ कि जमाने में? उस वक्त जी, बिल्कुल वही मैं सवाल बेसिकली ये करना चाह रहा था, लोगों से ही करना चाह रहा था, हमारे पार्टिसिपेंट से, कि अपनी अपनी ओपिनियंस अपनी प्लीज आगे रखें कि वो जो शुरू में उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी स्ट्रेटजी अपनी स्ट्रेटजी को जो रखा, और हमने इस अपनी जर्नी टू ताइफ में वो उसको एक्सप्लेन भी किया कि वो ऑब्वियसली उस वक्त कोई मुसलमान और कोई ईमान लाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत और तबलीग का काम जारी रखा। तो बेसिकली उस वक्त जो स्ट्रेटजी थी वो बाद में स्ट्रेटजी क्यों इतनी ड्रास्टिकली चेंज हो गई, मैं मेरा सवाल ये। और हालांकि वो मुसलमानों की तादाद फिर भी तब भी बड़ी कम थी, तो इतनी इतनी चेंज इन स्ट्रेटजी आप लोगों के ख्याल से क्यों आ गई? मैं इस पे कमेंट करूं? जी जी बिल्कुल, आप सारों को ये ओपन माइक है, अगर अच्छा, आप लोग इसमें जिस जिसके पास इसमें ओपिनियन है वो प्लीज अनम्यूट करके एक एक इसमें करके कर मेन दें। मेन बात तो ये थी ना कि देखें, पहले जो मुसलमान थे उनके पास कोई सॉलिड बेस नहीं था, ठीक है, अपनी जगह नहीं थी जो कि जिस पे किसी और का इन्फ्लुएंस ना हो। तो जब हम मदीना को देखते हैं तो वहां पे उनको एक ऐसा बेस मिल गया जो बाहर के इन्फ्लुएंस से बिल्कुल लगता, वहां पे वो अपना अपना एक सिस्टम क्रिएट कर सकते थे, वहां पे हथियार रख सकते थे। तो जब ये मदीना में चले गए और वहां पे ये सारा सिस्टम क्रिएट हो गया, तो फिर इनको कोई इशू नहीं था जंग करने में। लेकिन मक्का के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं था और ऐसा इनके पास बेस नहीं था, क्योंकि वहां पे बार बार कुरेश आके उनको हिंड्रेस क्रिएट कर रहे थे। तो जो सिनेरियोस थे वो दोनों तरफ बहुत डिफरेंट हो गए थे। मतलब एक प्रॉपर बेस का मिल जाना, एक पूरा शहर मिल जाना, और अपना हथियार रख सकते हैं, अपना सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें मेन चीज ये थी कि शिफ्ट जो हुआ था वो अपना बेस था, कि आपको बेस मिल गया था एक, तो आप वहां से फिर बिल्कुल अटैक कर सकते थे। जी खैर बेस तो पहले भी था, वो जैद अरकम का जो घर था, बाकी सारे भी बोले। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। एक्चुअली जब आप मक्का की बात करते हैं, वहाँ की स्ट्रेटेजी डिफरेंट इसलिए क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुरैश सारे कबाइल बहुत ज्यादा ताकतवर थे। बात इस वक्त ताकत, सब्र, इस्तकामत से ऊपर ये है कि जब मदीना की तरफ वो सब करके आते हैं, हिजरत करके आते हैं, तो यहाँ पे अपनी एक रियासत बनाई जाती है, इस्लामिक रियासत का कयाम किया जाता है।
और यहाँ पे कुछ कबाइल को भी बाद में साथ मिलाएगा, दैट्स अनदर केस। मगर देखें बुरान भाई की बात बिल्कुल सेटल है कि जो स्ट्रेटेजीज थी इट्स वेरी डिफरेंट ड्यू टू बेस, कि मक्का में इनके पास ऐसा कोई भी बेस नहीं था। अगर आप देख रहे हैं कि किसी का भांजा मुस्लिम है तो उसको मामू उस पर जुल्म कर रहा है, किसी का भतीजा है तो चचा जुल्म कर रहा है, तो वो खुल के इस तरीके से आगे आ ही नहीं सकते थे। और यहाँ पे इट्स डिफरेंट। दोनों के पॉइंट व्यू बहुत अच्छे हैं, और मेरा ख्याल है कि हम इस पॉइंट को इससे भी ज्यादा अच्छा डिस्कस कर सकेंगे जब हम मदनी दौर में पहुंच जाएंगे। अभी थोड़ा सा अर्ली है ये डिस्कशन, इसलिए कि अभी हमारे पीयर्स में से बहुत सारे शायद हिजरत के बाद के वक्त तक पहुंचे ना हो, तो जब हम थोड़ा सा ठीक मजीद है ठीक है आगे मैम, हम पहुंचेंगे तो मेरा आगे, ख्याल है हम कि हाँ, हाँ मदीने मदीने हिजरत के बाद वाले में से कर लेंगे। ठीक। अलबत्ता आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दे सकते हैं क्योंकि आप स्टडी करके आए हैं। मेरा मैंने नहीं, मैं स्टडी नहीं, मेरा तो ये सवाल था जो मैं वैसे ही मैं सोच रहा था। मेरा तो खैर ओपिनियन ये है कि ऑब्वियसली बेस तो उनके पास थी ही, और ऑब्वियसली ऐसी कोई देखें 313 ही थे, सबको पता है, सबको पता है कि अपने चचा भतीजे के खिलाफ लड़ रहा था, मामू भांजे के खिलाफ लड़ रहा था, मतलब भाई भाई इवन लड़ रहे थे, ऐसा भी था जंगे बदर में। तो बेस मेरा ओपिनियन में बेस तो मुसलमानों के पास ऑलरेडी वो ही थी, मक्का में भी बेस थी, फिर ऑब्वियसली अब ओपनली दावत और वो तो हो रहा था, सोशल बॉयकॉट वाला सिस्टम भी नहीं था जो पहले, जिस तरह सिटीजनशिप उनकी नेशन लेस कर दिया हुआ था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उस तरह का तो था नहीं। अब वो उस वक्त की स्ट्रैटेजी यही थी किसी, और हमारे जंगे बदर में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे उनको ऑब्वियसली दर्जा भी यही मिला कि सबसे आपके जो बदरी सहाबा है उनको सबसे ऊपर का दर्जा मिला हुआ है, बिकॉज क्योंकि उनके पास ना उस वक्त मेरे ख्याल है एक घोड़ा था, कुछ चंद तलवारें थी, और मैसेज यही था कि ऑब्वियसली अगर इस्लाम या ईमान या अगर आप हक की बात कर रहे हैं तो अगर अपने खून के रिश्ते से भी आपको लड़ना पड़ता है तो आपने लड़ना ही लड़ना है। तो दैट वाज द मैसेज, और वो स्ट्रेटजी में चेंज, और वो फिर ऑब्वियसली जैसे जैसे ग्रेजुअली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैरेक्टर बिल्डिंग की अपने सहाबा की, बेशक वो तादाद में सिर्फ 313 थे, बट वो 313 भी उन हजारों पे गलबा पा गए बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर बिल्डिंग दैट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड। अब वो उस कैरेक्टर बिल्डिंग के आगे से मैं एक हवाला देता हूँ, एक और हदीस है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं कि अगर आगे जाके एक ऐसा जमाना आएगा, अब ये बहुत बाद की हदीस है, ये आई थिंक खैर आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली द ईयर, बट ये काफी बाद की हदीस है, जब जंगे खंदक भी हो गई थी, जंगे उहद भी हो गई थी, और नबी पाक ने ये इरशाद किया था, बेसिकली ये फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम हजारों होंगे मुसलमान तादाद में और एक काफिर तुम लोगों पे भारी होगा, तो तब उस वक्त सहाबा हैरान हो गए थे कि ऐसा हो कैसे सकता है, क्या ए मतलब हजारों मुसलमान तादाद में खड़े हैं और एक मतलब नॉन मुस्लिम नॉन बिलीवर हम पे गलबा पा जाए, क्योंकि उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग ऐसी हुई थी। अब वो उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जवाब भी दिया कि उस वक्त जब तुम लोग हजार हो गए और वो एक तुम पे गलबा पाएगा तब तुम सारों के दिल में दुनिया की मोहब्बत इतनी ज्यादा होगी कि तुम लोगों को मरना मरने का दिल नहीं चाहे, कि तुम लोगों को मौत से डर लगेगा। तो बेसिकली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की, इन माय ओपिनियन, उनकी तरबियत, उनकी ट्रेनिंग, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग, उनकी मोरालिटी, उनका सब कुछ इतना वो फर्म था और इतना सब कुछ स्ट्रांग कर दिया हुआ था कि दे डिडंट वांट एनीथिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो इसीलिए वो स्ट्रेटेजी बाद में उन्होंने चेंज इसीलिए कर दी क्योंकि तब तक सहाबा का मेंटल लेवल और सहाबा का कैरेक्टर इतना डेवलप हो चुका हुआ था और वो इस्लाम को इतना समझ चुके हुए थे और उनका फर्म उतना उनका बिलीफ इतना ही फर्म हो चुका हुआ था। तो ये मेरा ओपिनियन है, आई माइट बी, खैर मेरा व्यू जी ये मुनीब है, भाई, बाकी बुरहान आपने हैंड रेज किया था, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं नहीं ये बात कंप्लीट कर ले, मेरा तो कोई और क्वेश्चन था तो वो मैं क्वेश्चन बाद में कर लूंगा, पहले ही अपनी बात कंप्लीट कर ले। नहीं, मेरी बात कंप्लीट हो गई, मेरा अपना व्यू था, मैंने दोस्त दिया, आप बुरान भाई आप प्लीज आगे कंटिन्यू करें, आप अपना क्वेश्चन करें। असल में ये जो आपने स्लाइड खोली हुई ना, स्ट्रेटजीज इन दावा, मैं एक्चुअली में जब ये पढ़ रहा था ना सीरा की बुक के अंदर, तो मैं वो कुरान से ना कुछ आयतें और वो सूरतें ढूंढ रहा था जो
इस बारे में नाजिल हुई हैं, स्ट्रेटजीज इन दावा, जो जिसमें अल्लाह ताला ने, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान से ही स्ट्रेटजीज ली है ना, उधर से एक्सट्रैक्ट की हैं, तो वो कौन सी ऐसी सूरत है जो, या कोई आयत है जिनसे ये स्ट्रेटजीज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली थी, तो ये मेरा सवाल है, अगर किसी को इस बारे में पता हो। बुरहान भाई, आपका सवाल ये है कि वो कौन सी आयत है जिसमें से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रेटजीज दी हो? जी जी बिल्कुल इसके लिए मेरा ख्याल है हमें मुतफरक आयत मैम, देखनी पड़ेगी, एक मैं वही आयत के मैं अंदर। मैम सादिया, आई विल ट्राई टू कवर दिस, आई एम सॉरी, जी आप मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ की बात, मैं सिर्फ इसका एक 30 सेकंड का जवाब देता चलो। मेरा नहीं ख्याल कि कोई जिस तरह कुरान में एक आयत है कि अगर एक आयत, अब लोग अक्सर इसका रेफरेंस भी देते हैं, आपने सुना भी होगा बुरहान भाई, कि अगर मेरी एक आयत, कुरान की एक आयत का भी पता है तो उसको आगे पहुंचाओ। अब इसमें कोई ऐसी स्ट्रेटजीज कुरान में नहीं, आई थिंक आपको वो जिस तरह मैम सादी ने वर्ड यूज किया मुतफर्रिका, वो ऑब्वियसली आपको एक कलेक्टिव इसकी वो देखनी पड़ेगी। और जाहिर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में थे तब तक तो सहाबा का और इस दुनिया का डायरेक्ट, एक जिस तरह आज व्हाट्सएप या और जूम के थ्रू हम बात कर रहे हैं, उस तरह लोगों का, जिस तरह लेट सपोज आज दुनिया की पॉपुलेशन सिर्फ 16 है, जिस तरह 16 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उस वक्त जितने भी दुनिया में लोग थे उनका डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्शन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू तो था ही था। तो इसीलिए उनके वसाल पे भी लोग यही कहते थे, और इसी बात को ज्यादा गम और इतना रोया गया कि आज आज के बाद अल्लाह से हमारा कनेक्शन खत्म हुआ, बिकॉज अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उनसे, लोगों से कलाम तो करते थे। तो एनी हाउ मैम सादिया, यू कैन कैरी ऑन फ्रॉम हियर, मैंने तो बेसिकली ये वैसे एक डीप सी बात बतानी। जी जी बिल्कुल। और इसको हम ना कुरान पाक की, जैसे हमने कहा ना कि मुतफर्रिक आयात हमें ऐसे मिल जाती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 3 साल तो खामोशी से आपने तबलीग की, अब वो खामोश वक्त में जो तबलीग है उसकी तो आयत आपको नहीं मिलती, वो डेफिनेटली वो वही है, गैर मतलूब जिसको हम कहते हैं ना, दो तरह की वही है, मतलूब और गैर मतलूब। मतलूब मतलब जिसकी तिलावत की जाती है, मतलब कुरान, और गैर मतलूब जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस मिलती थी, उनमें से कुछ तो अहादीस की सूरत में जो हमसे ताल्लुक रखती हैं वो तो अहादीस की सूरत में हमें मिल जाती हैं, और जो चीजें उसके अलावा उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती होंगी वो जाहिर है जो उनकी आपस की बात थी वो तो फिर सहाबा इकराम को बताने की जरूरत नहीं थी ना। तो वो हुक्म कब तक उनको खामोश रहने का था उसके बारे में कोई हदीस वाजे तो नहीं मिलती, लेकिन हमें जो बाकी लोगों की जो नरेशन से पता चलता है कि कितना अच्छा वो खामोशी से चुपके चुपके काम कर रहे थे। लेकिन फिर जब कहा कि अपने अजीज व अकारब को डराओ, तो वो कुरान में आयत आपको आ जाती है, मिल जाती है। फिर जैसे कि हम देखते हैं कि जब इंतहा हो गई तशद्दुद की, तो सूरह कहफ में इशारे आना शुरू हो गए हिजरत के, उनको बताया गया, जैसे सूरह कहफ नाजिल हुई और वो उन लड़कों का जिक्र हुआ जो कि हिजरत करके चले गए थे क्योंकि उनको दीन पर अमल करने नहीं दिया जा रहा था। इस तरह एक और आयत भी नाजिल हुई, तो वो उनको मुसलमानों को ये क्लूज दे दिए जाते थे कि अच्छा वक्त है कि जो जो लोग यहाँ से हिजरत करके जा सकते हैं वो चले जाएं। फिर इसी तरह जब मुसलमान बहुत ज्यादा दिल शिकस्ता भी हो जाते थे तो अल्लाह ताला की तरफ से सबर और तसल्ली की आयात नाजिल होती थी। फिर जैसे हम देखते हैं कि एक सहाबी का वाकया है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम जो नाबीना सहाबी थे, बड़े शौक से आके वो सीखा करते थे दीन का, लेकिन गरीब इंसान थे। तो एक दफा मक्का के सरदार वगैरह बैठे हुए थे तो हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम भी आ गए, तो जो सरदार है वो बड़े जुजबुज हुए क्योंकि वो पहले ये कहते थे कि हम तो आपके पास आना भी चाहे तो नहीं आ सकते क्योंकि इस तरह के नाउजुबिल्ला जलील किस्म के या हकीर किस्म के रजील किस्म के लोग आपके पास बैठे हैं, तो हम तो अशराफिया हैं। जैसे आप अगर हम अपनी जुबान में कहें, जैसे हमारे यहाँ पे किसी को कमी कमी या इस किस्म के अल्फाज बोले जाते हैं उर्दू के अंदर, पंजाबी के अंदर, तो इसी तरह उन्होंने भी यही कहा कि भाई हम तो अशराफिया हैं, हम जब अगर आपके पास आना भी चाहें तो आपके पास तो हकीर किस्म के लोग बैठे हुए होते हैं, तो हम किस तरह। तो जब इस मौके पे जिस वाकये का मैं जिक्र कर रही हूँ, वो सहाबी आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये ख्याल आया कि शायद यही ख्याल कि अगर अभी मेरी बात मुकम्मल हो जाती है और इनके आने से ये उठ ना जाए, तो अल्लाह ताला ने फौरन आयत नाजिल की कि आप इन लोगों की वजह से उस शख्स की तरफ से मुंह मत फिरिएगा जो आपके पास शौक से आया है और दौड़ा दौड़ा चलाता है। तो इस
इस तरह की आपको वो चीजें मिलती हैं मुख्तलिफ स्कैटर्ड आयात मुख्तलिफ सूरतों के अंदर, जिसमें पता चल रहा होता है कि अल्लाह ताला खुद भी कह रहा होता है कि ठीक है ये खड़े हैं लोग, इनकी तरफ से मुंह नहीं फेरना, सब्र करना है, हौसला करना है। तो जब जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चैन हो जाते थे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि शायद सूरह ताहा की आयत है कि क्या आप अपने आप को हलाक कर देंगे इनके गम में जो नहीं मान रहे, और अल्लाह ताला फिर और जगहों पे कहते हैं कि आपके जिम्मे पहुंचा देना है, किसी के दिल में ईमान डालना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो अल्लाह ताला को ये भी लगता था, बुरा लगता था कि मेरे नबी अपने आप को गम में ना जी बुलाते रहे बिल्कुल, ना। ऐसी एक आयत है मैम सादिया, यू आर करेक्ट, कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी कहा था कि आपका काम पैगाम स्प्रेड करना है और हिदायत देना मेरा काम है, मतलब हिदायत हर किसी को नसीब नहीं होगी, जी ये इस वो तरह की ये धोखा सूरह देने नबी वाली को है। तसल्ली। आयत है सूरह तैफ और में भी जो है आपने कि ए सहाबा का नबी जिक्र तो किया है, आपको वन देखने में लगता है कि आप हलाक कर लेंगे बाय हमको। वन। जी एक जी मिनट नबील भाई बोले। जरा बुरहान भाई बात कर। अच्छा नबील भाई, जी नबील भाई, नबील भाई आप बात पूरी कर लें कि बुरहान भाई थे या नबील भाई थे। जी नबील भाई थे मेरे ख्याल से, मैं बोल लेता हूँ, कोई मसला नहीं। मैं कह रहा हूँ आपने जिस तरह अभी वो सहाबा का जिक्र किया नहीं, था, मैंने तो रेफरेंस अब्दुल्ला दिया था आपको इसका, सूरत अल कहफ का, कि सूरत अल कहफ अब्दुल्ला में है ना ये आया कि नबी आप तो हलाक कर लेंगे अगर ये लोग ईमान ना लाए तो। हाँ जी ठीक है, जी और जगहों पे भी सूरह ताहा तो में ये भी है। सूरत जी, सूरह सूरह ताहा में ताहा भी का है, मुखातिब भी ऐसे दिया है, उसमें भी है शुरू। एक सूरह नाम में भी रेफरेंस है कि मतलब इनफैक्ट अल्लाह ने तो इस तरह तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू मैसेज कन्वे कर दिया हुआ है कि अगर ऑब्वियसली अल्लाह के अहकाम को हमने नहीं फॉलो किया तो इवन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने अहलो अहबाब को भी बिठा के यही बात की कि मतलब आप गवाही दें कि मैंने आप तक मैसेज पहुंचा दिया और मैंने अल्लाह का पैगाम जो आप तक पहुंचा दिया, क्योंकि इसके बाद मेरी आगे से कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली अल्लाह का और आपका मामला है और हर इंसान का अल्लाह के साथ इंडिविजुअल लेवल पे मामला है। तो अल्लाह ने बिल्कुल कुरान में आयात के जरिए नबी पाक को वेरियस ओकेजन पे ये इस बात की तंबीह कर दी थी। और क्या कहते हैं, ये अब्दुल्ला बिन मखदूम, बल्कि जो अब्दुल्ला बिन मखदूम जिन सहाबा का आपने जिक्र किया, वो नबीना जो थे उनके लिए अब जिस तरह आजकल का एक टॉपिक हम अक्सर अपने ग्रुप्स में डिस्कस करते हैं, जिस तरह के पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अब एक नबीना साहब आए, उस वक्त तक जिहाद फर्ज हो चुका। मैं वैसे सिर्फ उन सहाबा का जिक्र हुआ तो मैं उनके रेफरेंस से एक आयत जो नाजिल हुई थी उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जब जिहाद का ऑब्वियसली हुक्म अल्लाह ने दिया था और जंग का कहा था कि मोमिन निकलेंगे सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और ऑब्वियसली उस वक्त मुनाफिकीन और मोमिन और जो मुनाफिक थे उनमें भी तफरीक हो गई हुई थी, तो अब्दुल्ला बिन मखतूम थे और वो नबीना थे, तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिला शिकवा किया था कि मैं तो नबीना हूँ, मैं तो जंग लड़ ही नहीं सकता, तो मैं किस तरह, मतलब मेरे ऊपर ये किस तरह, मैं किस तरह इस फर्ज को अदा कर सकता हूँ। तो उनके हक में अल्लाह ने आयात भी नाजिल की थी कि बिल्कुल 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 अब वो इस तरह के जो ऑब्वियसली आपके सहाबा हैं, बेशक उनके ऊपर वो नहीं है, वो कुछ माजूर भी होंगे, कुछ नबीना भी होंगे, तो ऑब्वियसली अल्लाह का कॉन्सेप्ट हमने बिल्कुल एक थानेदार वाला बनाया हुआ है कि ये हम अपने बच्चों को इस तरह सिखा रहे होते हैं कि ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो अल्लाह यूं कर देगा, बट अल्लाह के जो 99 नाम है, हमने, मेरा ख्याल है, अब आई डोंट वांट टू अज्यूम एनीथिंग, बट हम 14 मेंबर्स पार्टिसिपेंट्स रह गए हैं इस ग्रुप में इस वक्त। अब हम 14 में से 14 को आई थिंक 99 नेम्स ऑफ अल्लाह जो होंगे वो सारे का सारा विद मीनिंग आई डाउट सुने सबने होंगे, बट आई डाउट कि हमें सारों की सिफ्त और उनकी डिटेल का पता होगा। तो इसीलिए हमें अल्लाह अल्लाह के जो नाम है और अल्लाह को जो अल्लाह ने अपने आप के लिए जो एट्रीब्यूट्स जोड़े हैं, वो ऑब्वियसली दुनिया में कोई ऐसी मखलूक नहीं है जिसमें उसके आधे एट्रीब्यूट्स भी कंबाइंड पाए जा सकते हो। तो ऑब्वियसली खैर, एनी हाउ आई माइट बी डिविएटिंग अ लिटिल फ्रॉम द टॉपिक। जी 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 बुरहान भाई, अल्लाह के नेम्स वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इसीलिए उस बात पे आ गया हूँ क्योंकि जा रही थी बात उस तरफ, मैं इसीलिए यही बात करने वाला था कि मैं टॉपिक से डिविएट कर रहा हूँ क्योंकि अल्लाह के नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें पता ही नहीं है,
और हम बेसिकली अभी खैर हमें तो हम सोच रहे हैं कि हम अभी ये नॉलेज हासिल कर रहे हैं, बट एक पॉइंट ऐसा भी आता है ना कि वो कहते हैं कि जितनी ज्यादा इल्म हासिल हो जाए उतना ही कम इल्म होता है, क्योंकि ऑब्वियसली द मोर यू नो द लेस यू नो, ये भी एक प्रोवर्ब है। तो बिल्कुल, और बल्कि ये अच्छा इसीलिए पॉइंट आपने जो रेस किया है ना, मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर आप अपने ग्रुप में काम करें, काम ऐसे करें कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नामों को सर्च करना शुरू करें, और रोज का अल्लाह का एक नाम तो शेयर किया ही जा सकता है ना, उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ ही, इसकी क्या क्या, इसकी डेप्थ में जाके जब हम देखें तो इससे क्या क्या चीजें पता चलती हैं। तो मेरा ख्याल है दिन में एक नाम को तफसील से पढ़ लेना इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप अपने बिल्कुल, रेगुलर आई टास्क के थिंक साथ हाँ जी कर सकते हैं, बिल्कुल, आई वुड एग्री। मतलब हाँ अपने जो रेगुलर जो भी डिस्कशन चल रही है, क्वेश्चन आंसर्स है या टास्क है, जो कुछ भी चल रहा है उसके साथ बीच में एक ये सेगमेंट आपका चल सकता है। और उसका अच्छा तरीका ये होगा कि आप में से कुछ लोग अगर वॉलंटियर कर रहे हैं कि हम लोग ये इस चीज पे काम करेंगे, कुछ लोग दूसरी चीज का, और इस तरह ये कि सबको सब कुछ गेन करने का मौका मिल जाएगा। जजाक अल्लाह खैर, आपकी अच्छी कंक्लूजन थी, अच्छा आपने बयान किया, और बिल्कुल एंड पे मैं इसको सारे वाक्य को थोड़ा सा इसी तरह से कंक्लूड करना चाहूंगी कि बहुत अहम वाक्या, इंतहाई अहम वाक्या, जिस तरह आप लोगों ने इसको मेंशन किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने चचा की सपोर्ट बिल्कुल खो अब देना, फिर वाइफ की सपोर्ट खो देना, और फिर उसके बाद कबीले की हिमायत खो देना, एक बहुत मुश्किल वक्त था। और बाद के जमाने में एक बार किसी ने हदीस हमें मिलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपकी आपके ऊपर सबसे मुश्किल वक्त कौन सा आया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ वाले वक्त ही का जिक्र किया था कि ये वक्त मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल था। और ये जितना मुश्किल वक्त था उसी में हम देखते हैं कि आपको एक शख्स की जो कैरेक्टर उनका जो नजर आता है ना, उनकी शख्सियत, उनका किरदार जो नजर आता है, ये हमारे लिए एक गाइडेंस है बहुत बड़ी कि आप सब कुछ खो के और एक फिर भी उम्मीद खोए बगैर आप एक नई स्ट्रगल पे निकल पड़ते हो, अपने शहर से बाहर निकल पड़ते हो कि चलो इस शहर के लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया और इन्होंने मुझे मेरी अपनी जो कबीले की सपोर्ट से भी महरूम कर दिया, तो कोई बात नहीं, हो सकता है अल्लाह किसी और का दिल खोल दे। और वो ताइफ में जाते हैं और वहां से भी उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और तब भी मायूसी का शिकार नहीं होते, ठीक है, गमजदा होना एक अलग बात है कि आप गमगीन होके कहते हो कि या अल्लाह तूने मुझे किन लोगों को के हवाले कर दिया, तो वो एक गमगीन होना एक अलग बात है, लेकिन उसमें भी आपको एक पॉजिटिविटी नजर आती है जब वो कहते हैं कि अगर तू मुझसे खफा नहीं है तो फिर मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। और यही पॉजिटिविटी है कि हम देखते हैं कि अल्लाह ताला अपने महबूब की दिलजुई का खुद बंदोबस्त करता है, और जब इंसान छोड़ देते हैं तो अल्लाह किसी और मखलूक को ले आता है। तो ये बहुत बड़ा लेसन है हमें जिंदगी में, कोई भी काम करते हुए अगर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, अगर रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे, तो हमें उम्मीद नहीं छोड़नी, बहुत बड़ा लेसन है ये हमारे लिए। हम रिजल्ट फोकस्ड होते हैं ना, और हम इसलिए हम देखते हैं कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मैंने तो ये किया था फिर भी नहीं हुआ, मैंने तो ये सोचा था फिर भी नहीं हुआ, मैंने तो इतनी मेहनत कर दी फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हमें अपने प्रोसेस पे फोकस करना है, हमें अपने कॉज पे फोकस करना है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, अगर हम प्रोसेस फोकस्ड हो तो हम अपनी परफॉर्मेंस को देखेंगे कि क्या मैंने अपना बेस्ट दिया। अच्छा, मैंने अपना बेस्ट दिया तो उसमें अगर हमारी छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी होंगी ना, तो हमें वो भी डिमोटिवेटेड नहीं होने देंगी। जैसे ताइफ के सफर में सिर्फ एक वो जो गुलाम अदास नाम का था, सिर्फ वही शख्स ही एक ईमान लाया ना, लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नहीं उम्मीद छोड़ी, तो अल्लाह ताला ने उसका रिवॉर्ड कितना दिया कि जिन्नों की जमात को भेज दिया, जिन्होंने ने वापस जाके अपने बाकी जिन्नों को भी बताया, और फिर हमें पता चलता है कि बाद में भी जन्नात आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन का इल्म लेते रहे। तो अल्लाह ताला इस चीज पे कुदरत है कि आपको कहीं से कोई और रिवॉर्ड दे दे, आप जहां से रिवॉर्ड लेना चाह रहे हो वो इस काबिल नहीं है कि आपको आपकी मेहनत का सिला दे सके, तो अल्लाह वही सिला किसी और से दिलवा देता है। आपको आपकी मेहनत का सिला कुछ ना कुछ मिल जाता है, बस सिर्फ आपको ओपन माइंडेड होना है, अपने आप को फिक्स नहीं रखें कि आप मुझे यहीं से चाहिए, मुझे इसी जगह से चाहिए, वहां से नहीं रिस्पॉन्स आ रहा कहीं और से आ जाएगा। आप अपने कॉज पे, अपने प्रोसेस पे फोकस्ड रहें, बस ये सबसे अहम चीज है जो हमें यहाँ से मिलती है। और फिर हमें रहमतुल आलमीन का ये नमूना कि जब अल्लाह अल्लाह की कितनी खूबसूरत दिलजुई है कि फरिश्ते भेज देता है कि हुक्म भी मैं नहीं दूंगा, हुक्म भी वो देंगे, अल्लाह ताला अपना फैसला अपने नबी पे छोड़ता है कि मेरा नबी जो फैसला करे तुम कर देना,
ये हुक्म देंगे। पहाड़ों का फरिश्ता कहता है कि मक्का की जो अतराफ के पहाड़ों का नाम लेता है कि आप हुक्म दें, मैं ये दोनों पहाड़ आपस में मिला के ये इनको बीच हेलो, में पीस दूंगा। आवाज जी आ रही क्या मेरी? जी आई आ एम रही, सॉरी, हेलो जी जी आवाज आ रही है जी। आप कुछ कह रहे हैं मुनीब भाई? आपकी आवाज चली गई। ओके, तो उस वक्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो पहाड़ों का फरिश्ता आया था ये मक्का वालों को तबाह करने के लिए आया था। वो जो पहाड़ों का नाम लिया था वो मक्का के अतराफ के पहाड़ थे, इसलिए कि मक्का वालों ने इतना बुरा सलूक किया था तो तभी ताइफ वालों की भी इतनी जरूरत हुई ना। उन्होंने कहा कि जिस शख्स को इसके अपने घर वालों ने छोड़ दिया उसको हम क्यों पनाह दें। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदतरीन सूरत में भी अपने दुश्मनों से बदला नहीं लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह इसको जितना ज्यादा आप डीपली डिग करते जाएंगे आपको मैं मजीद एक और चीज लेसन इसी मिलते बात पे जाएंगे। एक्सपेंड कर दो मैम सादिया, जी जी करते हैं। इसी पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ बाकी सारों के लिए वो जस्ट समथिंग टू पॉन्डर ओवर व्हेन व्हेन इट्स अबाउट टू एंड। जब उनके साथ बदतरीन सलूक हुआ उन्होंने फिर भी अपने मुखालफों का बुरा भला नहीं सोचा। इनफैक्ट जब वो मक्के भी इवन मक्के मक्के वालों ने उनको वहां से निकाला, हम तो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फोर्सफुली एमिग्रेट किया गया विद एन ई, एमिग्रेट। सो इमिग्रेशन विद एन आई मींस इन एंड एमिग्रेशन विद एन ई मींस एग्जिट। तो उनको जब एमिग्रेट किया गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के बाद वापस मक्का जब गए थे और उन्होंने जैद बिन हारसा को सबसे पहले मक्का के एक सरदार के पास भेजा कि मुझे अपनी अमान में लो, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। और फिर जब दूसरे के पास भेजा मक्के के सरदार के पास तो उन्होंने भी रिफ्यूज किया। तीसरा वो तीसरे वो सरदार थे जिन्होंने मोतम बिन अली, उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अमान में लेता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके जब जैद बिन हारसा ने ये बात बताई तो उन्होंने बताया कि आपको मिल गई अमान मक्के के सरदार की, तो नाउ यू आर फ्री टू गो टू मक्का। तो उन्होंने वापस भेजा जैद बिन हारसा को और उन्होंने ये कहा कि नहीं, उनको बोलो मुझे लेने आए, क्योंकि ये रास्ते में अगर कोई खुदा न खास्ता कोई हमलावर हो जाए और इस तरह हो जाए। तो जब वो वापस मक्का पहुंचे अपने ताइफ के सफर के बाद तो मोतम बिन अली उनको अपने बेटों के साथ, 6 बेटों के साथ हथियार लदे हुए वापस उनको रिसीव करने गए कि आप ये मेरी अमान में हैं और इनके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। और जब जंगे बदर हो गई थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदियों का कैदियों के बदले में ऑब्वियसली तकाजा कर रहे थे कि आपको पता ही होगा सारों को कि चीजों का मतलब कुछ को कहा था कि तालीम दे दो हमारे लोगों को, कुछ को कहा था कि चीजें दो। तो उनके सामने वो भी आया था उस वक्त, हमने एक आप सारों ने आई एम श्योर किस्सा सुना होगा कि उनके सामने कुछ वो भी आ गए थे, हजरत खदीजा का एक हार भी आ गया था। लेकिन उस वक्त के मौके पे एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था, उनके अपना फरमान था कि अगर अभी इस वक्त मोतम बिन अली जिंदा होते तो मैं उनके बदले में, वो जितने मर्जी 70 उस वक्त रह गए थे कैदी, उन्होंने ये बोला था कि इस वक्त अगर मोतम बिन अली जिंदा होते तो उनके उनकी जबान पे मैं ये सारे के सारे 70 वैसे ही रिहा कर देता। और वो उस वक्त भी मोतम ऑब्वियसली बिन अदी, बदतरी जी मोतम बिन अदी, अदी अदी सॉरी मोतम बिन अदी, उन्होंने कहा कि इनकी जबान पे मैं सारे 70 के 70 वैसे ही मैं रिहा कर सकता था। तो उस वक्त भी बदतरीन हालात में उन्होंने रहम और अपनी शफकत का ही मुजाहरा किया और उन्होंने ही ऑब्वियसली शोड दैट ही वाज द बिगर पर्सन। एंड इधर से मैंने सिर्फ ये पॉइंट लिया था कि आपने जो बताया कि वो बदतरीन मुखालफत के बाद भी उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया और उन्होंने इस्तकामत दिखाई, जी बिल्कुल तो मैंने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा ये मैं सारे ऑडियंस बहुत को थोड़ा सा इसके अहम, बारे में भी करता हूँ। बिल्कुल जजाकअल्लाह खैर। और यहीं से हम इंशाल्लाह अपने अगले सेशन का आगाज करेंगे इसी वाक्य के एंड से। इंशाल्लाह बुरहान भाई के ग्रुप की बारी आएगी और आज की सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। और इसमें मजीद आप जो भी लेसन आपके जहन में आते हैं उसको जरूर अपने ग्रुप की डिस्कशंस में इसको जारी रखिए, इस मेरे पे तो बात ख्याल से हम कीजिए। सारों को आई थिंक वो नेम्स 99 नेम से शुरू करना चाहिए, वन बाय वन एक एक करके चलना तो चाहिए जी फिर। बिल्कुल
बिल्कुल, सीरा के साथ अल्लाह के नामों को भी आप जारी रख सकते हैं, बिल्कुल बहुत मैम, बेहतरीन मैं ये एक आइडिया। अभी क्वेश्चन और एड्रेस करना चाहूंगा लास्ट पे, कि लोग उसका आंसर देख लें, जैसे पिछले प्रेजेंटेशन में हुआ था। क्वेश्चन ये है कि जो गजवा बदर है, ठीक है, वो क्यों पेश आई? और असल में मनीप भाई, ये क्वेश्चन था हमारा दोनों का ही, तो उसके लिए क्या वजह थी? वो भी तो दावत तो चल ही रही थी, लेकिन वो गजवा की जरूरत क्यों पेश आई? गजबा का जो दावत क्वेश्चन है ना, इंशाल्लाह इसका हम अगले सेशन में नहीं, हम इसका उस वक्त जवाब देंगे आपको, हमारा जो भी जी, ग्रुप वो उस वक्त वही प्रेजेंट हमारी कर रहा डिस्कशन हुई थी होगा कि हम वो मदनी ना। हाँ हिजरत के पीरियड के बाद बने ये दोबारा ग्रुप मदनी में लौट भी पाना, डिस्कस किया जा इंशाल्लाह सकता है, मैं इसलिए कह रहा बिल्कुल हूँ कर ग्रुप में सकते हैं, डिस्कस किया जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली जी आप कर सकते हैं, ये उसको आ, ग्रुप में जरूर कर सकते हैं, अच्छा, ये लेकिन अभी सॉरी, हम मैंने चूंकि चैट एक खोली है, तो अभी सीक्वेंस को अभी ब्रेक नहीं करना। मोहम्मद मोहम्मद आई एम सॉरी मैम, सादी आपकी बात काट रहा हूँ। ये बेहतरीन तवज्जो का एक मैसेज आया है हमारे पार्टिसिपेंट की तरफ से। ये हमारे पार्टिसिपेंट्स वैसे ग्रुप के बड़े काम है, हमें इसको भी इंक्रीज करनी चाहिए मैम सादी। जी बिल्कुल, आप इसमें कोशिश करें ना, आप अपने ग्रुप मेंबर्स को मोटिवेट करें, आप में से हर एक की ग्रुप में 80 से 100 के बीच में नंबर है, तो आप सीरा के ऊपर डिस्कशन कीजिए, बातचीत कीजिए, और कोशिश करें कि अपने साथियों को अपने साथ हर सेशन में लेके आया करें, सिर्फ उस सेशन में नहीं जिसमें आपने प्रेजेंट करना है, बल्कि हर हफ्ते का जो एक हमारा सेशन होता है उसमें तमाम के तमाम लोगों की शिरकत को यकीनी बनाइए। ठीक है, ऐसे कर लेंगे फिर। इसके साथ हम आज के सेशन को यहीं पे मैंने जी जी एंड आज करें। के सेशन को खत्म करते हैं। मैंने आपको एक रिकमेंडेशन दी थी, मेरे ख्याल से आप भी जरा मैम सादिया सोचेगा उस बारे में, कोई एक आध टाइम निकालें जिसमें हम सारे बेशक 2 मिनट 4 मिनट 3 मिनट इकट्ठे होके इंशाल्लाह वैसे हेलो हाई कर लें, कुछ और ना करें, ताकि एटलीस्ट वी कैन जस्ट यू नो मूव टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव। दैट्स द गोल, इंशाल्लाह राइट? ठीक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।